हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द हिमाचली गर्ल सोल ऑफ माउंटेन्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक। चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें चाहिए शुगर पाउडर, एक पैकेट चॉकलेट, हर्शी सिरप और बिस्किट। तो हम यहाँ चोको बिस्किट यूज़ करेंगे, आप यहाँ ओरियो और बर्बन भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने लिया है एक इनो का पैकेट और एक पैकेट जैम्स। तो फ्रेंड्स, आइए हम जो बिस्किट है उनका पाउडर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ जो बिस्किट है उनका पाउडर तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं जो बिस्किट है मैंने उनका उन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी दूध। तो आप थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें ताकि जो हम बैटर बनाएंगे उसमें लम्प्स ना पड़े। इसी के साथ मैंने थोड़ा सा और दूध इसमें डाला है और अब मैं डालूंगी इसमें शुगर पाउडर। तो मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून शुगर पाउडर यूज़ किया है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ इनो। तो आप एक पैकेट इनो इसमें डाल दें, इससे जो केक है वो आपका फूल जाएगा। और अब मैंने मिक्सर को चला लिया है, जो पेस्ट है वो बनके तैयार हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इसकी कंसिस्टेंसी सिर्फ इतनी होनी चाहिए, ना ये ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला। इसके बाद मैंने केक टिन में लगा लिया है घी। तो अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल है आप उसे यूज़ करें, नहीं तो फिर घी आप यूज़ कर लें। इसके बाद मैंने बैटर को केक टिन में डाल लिया है। इसी के साथ थोड़ा सा और बैटर मैं इसमें डालूंगी। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 4 छोटे पीसेस डेरी मिल्क के। तो फ्रेंड्स, ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो इसे डालें, नहीं तो स्किप कर दें। इसे हम जो ये चॉकलेट है इसे हम यूज़ कर सकते हैं केक की गार्निशिंग में, यानी कि जब केक बनके तैयार हो जाएगा तो उसकी सजावट के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो केक है, जब भी आप केक बनाएं तो ध्यान रखें कि जो केक टिन है उसे पूरा कभी ना भरें, क्योंकि केक को फूलने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। तो आप जब भी इसे भरें तो आधे से थोड़ा ज़्यादा भरें। केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है कुकर। तो मैंने उसमें डाल लिए हैं 2 से 3 बड़े गिलास पानी। इसके बाद मैंने इसमें रखा है बर्तन स्टैंड। इसके साथ ही एक और स्टैंड है जो मैंने यूज़ किया है, ये कंपलसरी नहीं है, आप बर्तन स्टैंड पे भी इसे बना सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके ऊपर रख दिया है केक टिन। तो आप देख सकते हैं पानी जो है वो खौल रहा है। तो फ्रेंड्स, 20 से 25 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं जो केक है वो अच्छे से फूल गया है। तो आइए एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अभी पूरी तरह से नहीं पका है। तो 5 मिनट मैंने इसे और पका लिया था। तो आप देख सकते हैं जो केक है वो परफेक्ट शेप में आ चुका है। और इसी के साथ मैं जो केक है उसे थोड़ी देर ठंडा कर लूँगी। तो आप इसे ठंडा करने के लिए रख दें। इसके बाद मैं इसकी जो साइड्स हैं कॉर्नर से इसे अच्छे से नाइफ के साथ निकाल लूँगी। तो आप इस तरह से नाइफ यूज़ करके इसके जो कॉर्नर है वहाँ से इसे निकाल लें और इस तरह से प्लेट रखें और जो केक टिन है उसे उल्टा कर दें। तो गाइस, आप देख सकते हैं जो केक है वो बनके तैयार हो चुका है। इसके बाद मैंने इस पे डाला है चोको सिरप।
तो जो चोको सिरप है आप उसे केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लें। मैंने जो चोको सिरप है उसे स्प्रेड करने के लिए यहाँ नाइफ़ यूज़ किया है। इसके बाद मैंने इस पर रखा है एक डेरी मिल्क का चोको पीस और इसके बाद मैंने इसे जैम से गार्निश कर लिया है। तो आइए अब हम केक को कट कर लेते हैं। तो मैं एक पीस इसका आपको कट करके दिखाती हूँ। ये लीजिए, तो जो केक है वो बनकर तैयार हो चुका है। ये केक खाने में बहुत ही टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आप जो चॉकलेट है उसे इसके ऊपर ग्लेज करके भी डाल सकते हैं। तो आप थोड़ी सी जो चॉकलेट है उसे ग्लेज कर लें और केक के ऊपर डाल दें। इससे जो चॉकलेट का फ्लेवर है वो और ज़्यादा केक के अंदर आएगा, जिससे कि केक खाने में और भी मज़ेदार लगेगा। तो चलिए मैं आपको एक पीस जो मैंने काटा है उसे दिखाती हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं जो केक है वो देखने में बहुत ही जूसी और यमी लग रहा है। आप इस केक को घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को घर पर ही केक बना कर खिलाएं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।